नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तो इस वक्त की बड़ी खबर भारतीय वायु सेना से जुड़ी हुई। भारतीय वायु सेना अब और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। भारतीय वायु सेना के पठानकोट एयरबेस में आज 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया जाएगा। हम आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका से 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था, जिसमें से आज भारत 8 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदकर भारतीय वायु सेना के एयरबेस में शामिल करेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है। ये हेलीकॉप्टर युद्धक तकनीक से लैस है, साथ में इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, 2-सीटर है और अगर रात में किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो अपाचे हेलीकॉप्टर उस स्थिति में ऑपरेशन करने के लिए जद्दोजहद कर सकता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को किलर लादेन के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन लादेन में अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी पिछले कुछ दिनों से सीमा पार से जिस तरह के हवाई फायरिंग किए जा रहे हैं और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय वायु सेना में अपाचे हेलीकॉप्टर का शामिल होना अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करता है। बने रहेंगे इस खबर पे, देखते रहिए R9 टीवी।